कांग्रेस की पूर्व संसद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में इमरजेंसी चुनाव नतीजे और स्पीकर चुनाव पर अपनी बात रखी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन नीट पर चुप हो जाते हैं। वहीं सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि सरकार की तरफ से हम स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग कर रहे थे। हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, देखिए, जिन्होंने इमरजेंसी पर ध्यान भटकाने की कोशिश की है, ये बड़ी बात कही है। साथ ही विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अखबार को एक आर्टिकल में जो इंटरव्यू दिया है, आर्टिकल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं।